राम राम भाइयों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी पर। आज मैं आपके साथ हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक शेयर कर रहा हूँ, जिसका नाम है सबद सुधि। जिस किसी भी एग्ज़ाम में, सिलेबस में हिंदी हिंदी होता है और हिंदी में सबद शुद्धि का टॉपिक होता है, उस एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन सबद शुद्धि के पक्के पुटअप होते हैं, पक्के ही पूछे जाए जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से देखें, क्योंकि इसमें छोटी छोटी माइनर गलतियाँ होती है, जिससे अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है और अपन वो नंबर खो देते हैं। तो आप इन छोटी छोटी गलतियों को, छोटे छोटे वर्ड को बार बार लिख लिख के याद करें, ताकि आप फिर धीरे धीरे लिख लिख के याद करेंगे तो वो बाद में गलत नहीं होंगे। क्योंकि ए वर्ड को हम जब 3 से 4 बार लिखते हैं तो वो वर्ड पूरी तरह अपने दिमाग में उसकी छवि बन जाती है, और एक बार दिमाग में छवि बनने के बाद वो वर्ड दिमाग से प्रमाण कभी भी नहीं निकलता, वो माइंड में परमानेंट फिक्स हो जाता है। तो आप इन वर्डों को देखें और याद करें, इसकी PDF टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम लिंक पर अपलोड कर दूंगा, और लिंक नीचे मैंने दे रखा है। तो चलो शुरू करते हैं। निम्न में से किस विकल्प के लिए सभी शब्द अशुद्ध है, यानी जो सारे शब्द अशुद्ध है वो देखना है। ऑप्शन एक में लब्ध, प्रतिष्ठित, एरनिस, निष्प्रभा। ऑप्शन दो में अनुग्रहित, अतिथि, श्रृंगार। 3 में दृष्टवे, दंपति, पृथकीकरण। 4 में पड़ोसी, द्वारका, दुर्वस्था। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, जिसमें सारे शब्द ही गलत हैं। जैसे एक वाक्य देखते हैं, ऑप्शन 1 में निष्प्रभा का शुद्ध रूप होता है निष्प्रभ। ऑप्शन 2 में श्रृंगार का शुद्ध रूप होता है श्रृंगार। खूब बार रिपीट हुआ ये श्रृंगार वर्ड। ऑप्शन 4 के सारे शब्द शुद्ध है, जैसे पड़ोसी, दो मात्रा नहीं होते, एक मात्रा होती है, खूब बार पूछा गया है। द्वारका, दुर्वस्था, ये सारे शब्द शुद्ध है, इनको अच्छे से देखें। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 में विहरिणी, चार दीवारी। 2 में अध्यात्म, स्वास्तिक। 3 में है महात्म्य, साप्ताहिक। 3 में अनाधिक, अनाधिकार और भवनिष्ठ। किस विकल्प पे सभी शब्द शुद्ध है, मतलब शुद्ध शब्द बताने हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन 2, ए और सी शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। जैसे विहरिणी ये शुद्ध है, और चहार देवारी ये भी शुद्ध है। ऑप्शन 2 में अध्यात्म, इसका अध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म होता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखना है। स्वास्तिक नहीं होता, स्वस्तिक होता है वो, स्वस्तिक सिंगल मात्रा होती है, मतलब वो नहीं होता है। अगला अनाधिकार, अनाधिकार नहीं होता, अंधिकार होता है। अन्य बहुनिष्ठ नहीं होता है, डबल नहीं आता है, नियाद आता है इसमें एक बहुनिष्ठ। तो ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है। ऑप्शन 1 में है किरीट, भाज्यपति, अजतम।
ऑप्शन बी में शताब्दी साधुवाद मुहूर्त, ऑप्शन तीन में शशिभूषण जयंती ऊर्ध्वगामी, ऑप्शन चार में है चंद्रमौली समाविष्ट मुनिजन। तो सभी शब्द शुद्ध बताना है, तो ऑप्शन चार सही होगा, चंद्रमौली समाविष्ट मुनिजन। जैसे अब किरीट का ऑप्शन एक में किरीट भार्यापति अजादमक, तो किरीट का सही उत्तर हो गया की छोटी होगी और री बड़ी होगी। भार्यापति में भार्यापति सही है और अज्ञातम नहीं अज्ञातम होता है। ऑप्शन दो में शताब्दी सही है, साधुवाद ये साधुवाद छोटा होता है, बड़ी मात्रा नहीं होते, मुहूर्त छोटा फिर बड़ा। ठीक है, शशिभूषण ये छोटी होती है, सी पर मात्रा, और जयंती ये बड़ी होती है, ऊर्ध्वगामी ये सही है। आप इन वर्ड को एक एक वर्ड को अच्छे से देखना है और लिख लिख के याद करोगे तभी ये दिमाग में सेट होंगे, ऐसे ये फिक्स नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर चार, निम्न में से किस शब्द के सभी शुद्ध है? ऑप्शन एक मुनेश्वर निरुत्साही, ऑप्शन दो हस्ताक्षेप हस्ताक्षेप तिरस्कार, ऑप्शन तीन में द्रौपदी निर्भिमान, चार में प्रमाणिक धीरता। तो सही उत्तर हो गया द्रौपदी निर्भिमान। अन्य ऐसे शब्द जैसे मुनीश्वर निरुत्साह ये सही है, हस्तक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है, तिरस्कार नहीं होता है, तिरस्कार होता है, प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है, धीर्यता कोई वर्ड नहीं होता है, धैर्य या धीरता होता है, ये भी ध्यान रखना। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे वर्ड है वो एग्जाम में रिपीट हो रखे हैं सारे। क्वेश्चन नंबर पाँच, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, सांप्रदायिक न्यायाधीश पारिश्रमिक अभिषेक, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन दो सही होगा, एक और दो सही है, बाकी तीन और चार गलत है। पारिश्रमिक री छोटा होगा और अभिषेक में से सेकंड से आएगा। क्वेश्चन नंबर छः, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, अम्लीकरण आशीर्वाद राजिष्ठान शतोपदेश, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन एक में शब्द सही है, तीन और चार राजिष्ठान और शतोपदेश ये सही है, बाकी अम्लीकरण ली बड़ा होता है और आशीर्वाद ये अदर रे वहाँ पर आता है ना कि सी पर, तो ये आप ध्यान रखना है, और सी बड़ा होता है, ये भी खूब आप पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सात, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, आत्मवंती पाणी ग्रहण लखपति ध्यानाकर्षण, तो क्षेत्र किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन तीन में ए और डी शुद्ध है, बाकी दोनों गलत है। आत्मवंती ये सही है, ध्यानाकर्षण सही है, पाणी ग्रहण का अणी छोटा होता है और ल के नहीं होता खे होता है, ये भी खूब बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर आठ, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, स्वर्णा श्रीमती स्थायित्व उल्लंघन, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो ए में ए बी सी सही है, ए उल्लंघन गलत है, उसमें डबल ले आता है, ले याद आता है। नो, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? स्वादिष्ट दुर्वस्था दिवरात्र दिवरात्र छत्रछाया कवियत्री कुमुदिनी उच्छ्वास मातृचा दुष्क्रम स्रोत घनिष्ठ इंद्रजाल, सही उत्तर हो गया ऑप्शन चार, स्रोत घनिष्ठ होता है, ध्यान रखना इस बात का, और इंद्रजाल बाकी स्वादिष्ठ नहीं होता है, वो स्वादिष्ट होता है, ठे नहीं टे होता है, ये ध्यान रखना आप। दुर्वस्त्र सही है, दीवात्र सही है, और ये छत्र साया नहीं होता है, बीसमाद अच्छे आता है छत्र छाया, बाकी कवियत्री सही है, कुंभनी सही है, ये उच्छ्वास नीचे हलन
आता है, इसका भी ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी एकदम छोटी छोटी गलतियाँ होती है इसी टॉपिक में, दस अशुद्ध शब्द नहीं है। राज्यवल्ले के मंत्रिपरिषद पुनरपि ज्योत्सना, तो सही उत्तर हो गया 3, पुनरपि अशुद्ध नहीं है, बाकी सारी अशुद्ध है। जैसे राज्यवल्क्य में लयाद आएगा, मंत्रिपरिषद में त्रि छोटी आएगी, और नीचे देह के नीचे हलंत आएगा, ज्योत्सना में ते और से दोनों याद हैं। ये भी ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। 11, हिंदी वतनी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध पूछा है, बुढ़ा चाहिए स्थाई मांगे में, तो सही उत्तर हो गया स्थाई, स्थाई ई पर बड़ी ई होता है। 12, किस विकल्प का शब्द वातनिक दृष्टि से अशुद्ध है, अब अशुद्ध पूछा है, तो सरोजनी रचयित्री दृष्टवे गृहिणी, तो सही उत्तर हो गया सरोजनी, सरोजनी सरोजनी होता है, सरोजिनी होता है, बाकी ये रचयित्री दृष्टवे गृहिणी ये शब्द शुद्ध है। 13, निम्न में से खुशु शब्दों का चयन कीजिए, रीतिनुसार सत्साई मातृभूमि अर्थटा, तो सही उत्तर हो गया रीतिनुसार, बाकी सत्साई बड़ी ही होता है, मातृभूमि भूख के नीचे बड़ा रे होता है, अर्धा में अच्छे आधा अच्छे आता है, तो ये आपको याद रखना है। 14, निम्न में से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध पूछा है, ज्योत्सना ये सही है, क्युदंती ये भी सही है, आह्लाद ये गलत है, तो आ है लाद होता है, अंत्याक्षर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा शब्द अशुद्ध है, इत्रेतर विहत्तर बेहतर उत्तरोत्तर, तो सही उत्तर हो गया उत्तरोत्तर, बाकी सब सही है। उत्तरोत्तर में एक छोटी सी माइनर गलती है, इसका इसमें गुण संधि होती है उत्तर प्लस उत्तर। 16, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है, ऑप्शन एक में कसमकस, काबिलियता, सूझबूझ, अंधाधुन, सांठगांठ, अपदापी, एहसानमंद खेद, सही उत्तर हो गया 2, सूझबूझ, तो इसमें जे जे जाज वाला नहीं होता है, जे झंडे वाला आता है, ये आपको ध्यान रखना है। वो अंधाधुंध नहीं होता, अंधाधुंध होता है, ये भी सारे रिपीटेड है। बाकी कसम कस और काबिलियत तार कोई वर्ड नहीं होता, काबिलियत होता है। 7, साठ गांठ में साप पर और गा पर दोनों पर चंद्र बिंदु होती है, अपदा भी सही है, एहसानमंद इस ए पर कोई मात्र नहीं होते है, तो एहसानमंद होता है। खरीदार और खरीदार दोनों सही वर्ड है। 17, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, ऑप्शन एक में जन्मोत्कर्ष, अतोत्साह, पुरस्कार, बहुद्देशीय, अतिशयोक्ति, मंत्रिमंडल, वीरणी, सुभाषिनी, तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन एक, जन्मोत्कर्ष और हतोत्साह सही है, बाकी ऑप्शन बी में है पुरस्कार, ये पुरस्कार होता है, बहुद्देशीय है के नीचे वो बड़ी बड़ा आता है, ऑप्शन तीन में से अदन्य से पूरे होते हैं, अतिशयोक्ति और मंत्रिमंडल, वीरहिणी नहीं होता है, हिणी होता है, सुहासिनी, तो आप इसको अच्छे से कंटेस्ट कर लें। 18, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, आयुध, अंतर्ज्ञान, वाहिनी, उल्लंघन, किस शब्द सारे शब्द शुद्ध है, शुद्ध बताना है विवाह, तो ऑप्शन तीन से को बे और से, बाकी आयु दे नहीं होते दे होते हैं, और उल्लंघन वापिस आ गए, मतलब सारे वर्ड वापिस बार बार रिपीट हो रहे हैं। 19, वतनी की दृष्टि से किस शब्द
के सभी विकल्प अशुद्ध है। अब अशुद्ध पूछा है, सारे अशुद्ध है, तो ऑप्शन चार में सारे शब्द अशुद्ध है। भूखे नहीं होते, भूखे होता है, झूठते नहीं होता है, झूठे होता है, ब्राह्मण इस हिसाब से लिखा जाता है, आठवीं बात सही है, बाहुल्यता कोई वर्ड नहीं होता, बाहुल्य या बाहुल्यता होता है, और धोखा नहीं होता, धोखा होता है। बीस, किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध है। अब जो अशुद्ध पूछा है सारे शब्द, ऑप्शन एक में सतत सरोजनी, ऑप्शन बी में प्रतिद्वंदी महती, ऑप्शन तीन में रचित पिता एक, चार में धुरंधर और बजार, सही उत्तर हो गया ऑप्शन दो प्रतिद्वंदी और महती। बाकी विकल्प एक में सतत नीचे लंद नहीं होगा सरोजिनी। वापस तीसरी बार आ गया, रचयिता रचयिता होता है और एक, धुरंधर नहीं होता धुरंधर होता है, बाजार नहीं होता बाजार होता है। 21, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। ऑप्शन एक में तो तंदुरुस्त मुझे नज़र चरागा, मुझे नज़र चरागा तंदुरुस्त, मुझे नज़र चरागा तंदुरुस्त, और चार में चरागा तंदुरुस्त मुझे नज़र, तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन एक में तंदुरुस्त मुझे नज़र चरागा। 22, किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है, तो ऑप्शन चार सी होगा, अशुद्ध पूछा है, धातु भूनिष्ठ ये अशुद्ध है, तो आधा नहीं आएगा इसमें और ठे आएगा, और धातु का ध्यातु होता है, आधा ध्या आएगा और यह आएगा धातु होता है। 23, वर्तने की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, वापस दृष्टा प्रत्यक्ष सृष्टि, सही तो सही आंसर हो गया दृष्टा, दृष्टा का शुद्ध रूप होता है दृष्टा नहीं होता है दृष्टा होता है, रे वो घूमने वाला रे नहीं होता है सीधा वाला रे होता है नीचे, ये भी जानक ना हो। 24, वर्तने की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, दंपति वयस्क बुधवा द्वितीय, तो सही उत्तर हो गया दंपति, ये शब्द शुद्ध है। बाकी वे वैश्यक में वे पूरा आएगा ये पूरा आएगा, बुधवार में देहादनी देह आएगा बुधवार पूरा वर्ड होता है, पूरे चालू शब्द पूरे हैं। द्वितीय में ती पर बड़ी मात्रा आएगी। 25, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है, उज्ज्वल उज्ज्वल उल्लंघन और उन्नति, तो सही उत्तर हो गया उज्ज्वल, इसमें जे दोनों जे आधा आएंगे और दो जे आएंगे, खूब बार पूछा है ये, उल्लंघन भी खूब बार पूछा है। 26, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध पूछ लिया, तिरस्कार सन्यासी प्रतियोगिता सीढ़ियाँ, तो सही उत्तर हो गया प्रतियोगिता, टी की मात्रा छोटी आएगी ठीक है प्रतियोगिता, बाकी सारे शब्द सही है। सन्यासी को भी ध्यान रखना है कैसे लिखा जाता है। 27, निम्न में से अशुद्ध शब्द बताइए, अंत्याक्षरी अंतर्ध्यान अभिमान अभिरूप, सही उत्तर हो गया अंतर्ध्यान, यह शुद्ध है, इसको देहादन नहीं आता इसमें, देह पूरा आता है और यान नहीं आता है, अंतर्ध्यान अंत ध्यान रे ऊपर आता है, अंत्याक्षरी से यह अभिमान और भी रहा है। 28, निम्न में से किस शब्द की वतनी शुद्ध है, तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन चार, वापस आ गया सन्यासी, तो आपको इसको याद रखना है। 29, सुशब्द का चयन कीजिए, पतंजलि निस्वार्थ आदुपान्त और अतिशयोक्ति, तो सही उत्तर हो गया तीन सी और डी सही है, बाकी पतंजलि ये लीप पर छोटी मात्रा आती है ध्यान रखना, और निस्वार्थ में बीच में या तो वो बिंदी आती है और या आधा से आता है। 30, पत्नी की दृष्टि से
कौन सा अशुद्ध है, अब क्या अशुद्ध पूछा है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है ये। देखो इस, देखो इसमें ये लघुतम, ये जो दीर्घ ये गलत है, इसमें सही कैसे होगा, लघु ते, ये जो छोटी सी लाइन देर की आधा ते बोलते हैं, इसमें जिसमें बड़ा बड़ी मात्रा होती है उसमें लघु ते रे नहीं आता, और ये छोटा लघु ये बड़ा आता है ऊ की मात्रा, वो छोटी ऊ की मात्रा आती है और इसमें रे आता है, यह आपको ध्यान रखना है। ऊ की मात्रा के साथ तो छोटी ऊ की मात्रा के साथ रे आता है और बड़े ऊ की मात्रा के साथ रे नहीं आता है, रे नहीं आधा ते सॉरी। 31 किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, तो सही उत्तर हो गया कविंदर, कविंदर नहीं होता ये कविंद्र होता है, बाकी के पर दो मात्रा आती है और दूसरे के पर एक मात्रा आती है, ये भी खूब पूछा गया है। शाश्वत अधिपति 32 कौन सा शब्द शुद्ध है, अशुद्ध पूछ लिया, तो ऑप्शन बी में दौड़बल्ली ये शुद्ध है, बाकी आश्वाद कोई नहीं, आशीर्वाद वाक वगैरह होता है, प्रोढ़ पुनरावलोकन पुनरावलोकन होता है, आशीर्वाद प्रोढ़ देह पर दो मात्रा आती है, प्रो दो मात्रा आती है। 33 सही वतनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन 3 में होगा, नहीं सॉरी ऑप्शन 2 में होगा, जी जी विषा, तो जी में पहला जी छोटा, दूसरा जी बड़ा, फिर वी पर छोटा, यानी छोटा बड़ा छोटा, ये ध्यान नाम जी जी विषय का अर्थ होता है जीने की इच्छा, ये भी खूब पूछा गया है, अर्थ वन वर्ड होता है ना, एक वर्ड वन वर्ड का भी आता है, तो उसमें भी ये वर्ड खूब पूछा गया है। 34 निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है, मनीषी ऑप्शन बी, नी बड़ी मात्रा, सी बड़ी मात्रा, छोटी नी बड़ी होती है, और पूंजीपति से वाल्मीकि, वाल्मीकि खूब पूछा गया है, इसको कैसे लिखा जाता है। 35 निम्न में से कौन सा वर्तनी सही है, तो ऑप्शन एक लाला हित होता है, लाला हित। 36 निम्न में से कौन सा वर्तनी सही नहीं है, क्या सही नहीं पूछा है, तो अभिशाप सही नहीं है, अभिशाप लाता है, अभिशाप आजीविका सही है, बलिष्ठ नहीं आता, बलिष्ठ आता है, यह भी खूब पूछा गया है। स्वाभाविक 37 निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है, तो तात्कालिक राजनीतिक ऐतिहासिक अनुयायी, तो सही उत्तर हो गया तीसरा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक होता है। 38 निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, साहित्य अनुकूल प्रतिक्रिया अनुपस्थित, सही उत्तर हो गया साहित्य, बाकी अनुकूल रू की मात्रा ने के नीचे बड़ी और कू पर नीचे छोटी, प्रतिक्रिया ई की मात्रा ती पर छोटी, दोनों में छोटी आएगी प्रतिक्रिया, अनुपस्थित रू की मात्रा बड़ी आती है अनुपस्थित। 39 निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, भागीरथी प्रशंसा परिस्थिति प्रदर्शनी, सही उत्तर हो गया 4 प्रदर्शनी, ये भी खूब पूछा गया है, भागीरथी भी खूब पूछा गया, मतलब सारे वर्ड खूब पूछे गए हैं, तो इसमें सही उत्तर हो गया प्रदर्शनी। जैसे भागीरथी में घी री की मात्रा बड़ी आती है और थी की मात्रा बड़ी आती है, और एक वर्ड होता है भागीरथ, भागीरथ नहीं होता है वो भगीरथ होता है, ये भी खूब पूछा गया है। प्रशंसा ये भी खूब पूछा गया है, प्रशंसा कैसे लिखा जाता है, पर फिर पहला से फिर दूसरा से प्रशंसा, और बिंदी से पर पहले से पर बीच में परिस्थिति। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है,
तो ऑप्शन एक में सोनित। 41 निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? महत्वाकांक्षा, व्योत्या, विहार, भस्मीभूत, वो वाष्प। तो सही उत्तर हो गया भस्मीभूत। और बाकी ऑप्शन एक महत्वाकांक्षा वर्ड होगा, महत्वाकांक्षा व्यवहार नहीं होता है, व्यवहार होता है, व्यवहार होता है। वाष्प कैसे लिखा जाता है? वा दूसरा से आएगा, आधा से। आप इन वर्डों को थोड़ा सीरियसली देखें क्योंकि बार बार रिपीट होने वाले वर्ड है ये। 42 निम्न में शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। दे नंदिनी, सर्वोपरि, वर्तना, ख्यात। तो अशुद्ध रीत से पूछा है, तो ऑप्शन 4 में डी और ए। तो सर्वोपरि का री छोटा आता है और वर्तना में वर्त के नीचे रे नहीं आता है, वर्तना पत्सना होता है, वर्तना होता है। 43 निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो हष्टपुट, ऑप्शन डी। 44 रेप की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी रूप है, तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन 3 अंतर्गत। ते रे ते पर नहीं आएगा, ये घे पर आएगा। मोरम ये सही है, गुरुनर ये भी सही है, आकृष्ण ये भी सही है। 45 निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कवित्री, तिरस्कार, कुमुदनी, गृहिणी। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन 3 कुमुदनी। कुमुदिनी होता है, दी पर छोटी री की मात्रा होती है और नी पर बड़ी, कुमुदिनी। 46 शुद्ध शब्द है ऑप्शन 3 पुनरुत्थान। फोर्टी सेवन अनुग्रहित शब्द का शुद्ध रूप होता है, तो अनुग्रहित का होता है अनु नीचे रे जो घुमा वाले होता है वो होता है, गे के नीचे रे। एक अनुग्रह होता है उसमें ये सीधा रे होता है और अनुग्रहित में ये घुमा वाला रे होता है, ये आपको याद रखना दोनों में अंतर। 48 बैठ गए सब त्रुछया में, त्रुछया रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप होता होगा, त्रु इसमें अदचे आएगा। 49 अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, पीड़ित, चरणवती, योग रूट, निरोगी। क्षेत्र हो गया निरोगी, नी पर री की मात्रा बड़ी आती है, नो रोगी। क्षेत्र हो गया डी। 50 शुद्ध रूप है, तो ऑप्शन 2 पारलौकिक, परलौकिक नहीं होता है, परालौकिक नहीं होता है, पारलौकिक होता है। 51 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्धर, तिथि, सरोजनी, परीक्षित। सही उत्तर के परीक्षित। शुद्र नहीं होता है, वो शुद्र होता है। तिथि में दोनों छोटी होती है, दोनों ई की मात्रा छोटी होती है, तिथि। सरोजनी नहीं होता, सरोजनी होता है। 52 अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो लघुत्तर, मध्यान्ह, चिन्ह, वात्सल्य। वापिस आ गया, तो लघु जिसमें ऊ की मात्रा बड़ी आएगी उसमें रे नहीं आएगा, और जिसमें छोटी आएगी उसमें साथ आएगा, छोटा होता है बेचारा इसलिए आदत है साथ आएगा, और बड़ा तो वह उसको जरूरत नहीं होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 43 शुद्ध शब्द कौन सा है? उज्ज्वल, ये गलत है, इसमें ज्यादा दोनों ज्यादा आते हैं, अभी आया था भौगोलिक, ये सही है। पूजनीय नहीं होते हैं, पूजनीय होते हैं। प्रशंसा, इसमें पहले से फिर तीसरा से आता है, ये भी ध्यान रखना आप। 54 वर्तनी की दृष्टि से किस शब्द के सभी शब्द शुद्ध है? एक में अनुग्रहित, पड़ोसी, द्वारिका, दो में वीरणी, पापस, श्रृंगार, तीन में अधीन, अतिथि,
स्थाई चार में दंपति एल या दृष्ट हुए तो सही उत्तर हो गया चार। ये शब्द शुद्ध है। जैसे अनुग्रहित में वापिस आ गया अनुग्रहित, इसमें घूमने वाला रहेगा। पड़ोसी में एक मात्रा आएगी, पहले भी आया था, द्वार लिखा नहीं होता, द्वारका होता है। वीर वीरिणी इणी छोटी ई की मात्रा, और वापस शब्द शुद्ध है, और श्रृंगार व श्रृंगार होता है, नीचे ले आएगा। आदि नहीं होता है, अधीन होता है, और अतिथि तिथि, जैसे अभी आया था तिथि वाला, सेम अतिथि हो गया। 55 किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, तो ऑप्शन चार में सभी सारे शब्द शुद्ध है, अत्युक्ति और निर्विलंब, बाकी पाई तो सही है, और गच्चे अवरोध नहीं होता है, गच्चे अवरोध होता है, ये भी खूब पूछा गया है। त्योहार में, त्योहार में सिंगल मात्रा आती है, ते यो पर सिंगल मात्रा आती है, ना कि दो मात्रा आती है, ये गलत होता है, डबल मात्रा वाला। आशीर्वाद बड़ा होता है, छोटा नहीं होता आशीर्वाद, तो ये अभी ध्यान रखना है। वहाँ पर रे और वी से री की मात्रा बड़ी। 56 कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो संतुष्ट, पृष्ठभूमि, सुरपणखा, ज्योत्सना, तो पृष्ठभूमि पृष्ठ आएगा, टे नहीं आएगा। आपको ये छोटे छोटे जो वर्णमाला का वर्ड है, इनको अच्छे से देखना है। 57 सभी शब्द शुद्ध है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, ऑप्शन एक में उद्धर्व, उद्धर्व आध्यात्मिक, श्रृंगार केंद्रीय, व्यवसायिक शुद्धिकरण, संन्यासी, मल्टीप्रांत, सी उत्तर हो गया व्यवसायी और शुद्धिकरण, ऑप्शन तीन। बाकी आध्यात्मिक होता है, और श्रृंगार श्री रे, तो संन्यासी या डबल एक रे आधा आता है, इसमें दो रे आते हैं, नहीं सॉरी आधा नहीं आता है, दोनों याद नहीं आते हैं, या आपको चंद्रबिंदु आएगी। एक मल्टीप्रांत यू में छोटी, यू की ऊ की मात्रा छोटी आएगी। 58 किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है, सत्योपदेश निष्कपटि, दो में तदुपरांत प्रकृति, तीन में निरपराध पत्नी, चार में निनुनासिक प्रतीक, सही उत्तर हो गया एक। सद्दुपदेश नहीं होता है, सद्दुपदेश होता है, निष्कपटी नहीं होते, निष्कपट होता है। बाकी तदुपरांत सही है, प्रकृति सही है, ये सारे वर्ड आपको याद करने हैं। 59 निम्न में से शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन दो अंधाधुंध, ये सही है। 60 किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, तो ऑप्शन एक में पुनरावलोकन, क्रियान्वयन, हितेशी न्योता, तीन में निर्विलंब सिद्धार्थ, चार में दंपति प्रस्तुत, तो सही उत्तर हो गया तीन, निर्विलंब और सिद्धार्थ, ये सही है। बाकी पुनरावलोकन पुनरावलोकन होता है, क्रियान्वयन सही है, हितेशी डबल मात्रा आगे तय पर, और न्योता में न्योता सिंगल मात्रा आएगी। प्रस्तुत 61 कौन सा शब्द अशुद्ध है, खिलाफ, ऐतिहासिक, चरागाह, खोपनाक, तो खोपनाक ये अशुद्ध है, इसमें खोफिनाक होता है, पेनी खे फे होता है, पे फे, चरागाह नहीं होता है, चरागाह होता है, वो जाने का ना आप। 62 किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है, ऑप्शन एक में चित्रपट, मलयुद्ध, न्यायाधिकरण, यथेष्ट, तीन में न्योछावर, संपूर्णता, चार में प्रत्यावर्तन, और जीर्ण से उत्तर हो गया ऑप्शन एक में चित्तपट और मलयुद्ध, ये शब्द अशुद्ध है, बाकी सारे शब्द सही है। चित्र टे आदा नहीं होता है, इसमें टे पूरे होता है, चित्रपट, मलयुद्ध इसमें ले आधा आएगा, और युद्ध ये आपको ध्यान रखना है। बाकी न्योछावर का खूब बार पूछा गया है, प्रत्यावर्तन का भी पूछा गया है, न्यो
योग पर सिंगल मात्रा आती है ना कि डबल मात्रा। 63 अशुद्ध शब्द पूछा कौन सा है, समष्टि पृष्ठभूमि अनिष्ट गरिष्ठ, तो सही उत्तर हो गया गरिष्ठ है, गरिष्ठ नहीं होता है गरिष्ठ होता है वो, बाकी समष्टि होता है ठीनी होता है पृष्ठभूमि ठे आता है अनिष्ट आता है, तो ये बहुत क्लिपिच करने वाले वर्ड है, इनको टे और ठे में को अच्छे से देखना है कौन सा टे आएगा कौन सा में ठे आएगा, अनिष्ट आएगा और गरिष्ठ आएगा। 64 कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ऑप्शन ए उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर में दोनों में ये आधा रे लिखा जाता है। 65 निम्न शब्दों पर ध्यान दीजिए, अभ्यारण्य आर्द्रता स्वाद्र उल्लंघन और सिरमौर, किस विकल्प में दोनों शब्द शुद्ध है, तो ऑप्शन दो बे और से शुद्ध है, बे और से शुद्ध, बाकी अभ्यारण्य और आर्द्रता गलत है, अभ्यारण्य बे आधा नहीं पूरा होता है उत्संगल लिखा जाता है। 66 किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, ऑप्शन एक में उद्रव्य इंदु दायित्व गत्यवरोध एक निधि निर्दय उर्मी पारितोषित उच्चार में कीट अत्युक्ति और प्राग्ति प्रागैतिहासिक, तो उत्तर हो गया 4। शुद्ध है ये, बाकी ये उद्र में उ उसमें उद्र के इससे सब लिखा जाता है इंदु दो उ की मात्रा बड़ी आती है, दायित्र होता है एक के पे ए पर मात्रा आती है और निधि में दोनों निधि की ई की मात्रा छोटी होती है, उर्मी का उ बड़ा आता है उर्मी। 67 इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है, ऑप्शन एक में संकला अत्यधिक अतिथि दो में शतोपदेश अनाधिगत निरानुनासिक तीन में पार्वती व्यासिक प्रकृति चार में प्रतीक्षा ज्योतना प्रवेशक, तो सही उत्तर हो गया दो अशुद्ध है ये सज, बाकी सदुपदेश होता है अंधिकृत होता है और निरानुनासिक होता है। 1 में श्रृंखला ये श्रृंखला री जैसे श्रृंगार वाला आता है सेम वही वर्ड, प्रतीक्षा प्रतीक्षा ती बड़ा ई की मात्रा बड़ी आएगी और ज्योत्सना में दोनों ते और से आधा। 68 कौन से शब्द की वतनी शुद्ध है, तो ऑप्शन डी पणकुटी, पण कु की मात्रा बड़ी आएगी इसमें। 69 किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, एक में मित्रता माधुर्यता दो में प्रमाणिक त्रिवार्षिक तीन में सद्य संतुष्ट और चार में लब्ध प्रतिष्ठ व्यवर्थ, सूत्र हो गया 4। माधुर्यता कोई वर्ण नहीं होता है या तो माधुर्य होता है या मधुरता होता है, प्रमाणिक नहीं होता प्रामाणिक होता है, सदृश नहीं होता सदृश होता है, संतुष्ट नहीं होता है संतुष्ट होता है। 70 किस विकल्प के सभी शब्द वतनी की दृष्टि से शुद्ध है, ऑप्शन एक में दृष्टा गरिष्ठ दो में अधीन दुरावस्था तीन में उच्चिष्ट प्रतिनिधि चार में दंपति गृहणी, तो सूत्र हो गया 1। ये दृष्टा और गृष्ट ये सही है, बाकी दुरावस्था नहीं होता है दुर्वस्था होता है, उच्चिष्ठ नहीं होता है उच्चिष्ठ होता है, गृहिणी गृहिणी होता है। 71 शुद्ध शब्द है, वापिस रिपीट हो गया उज्ज्वल
दोनों जे छोटे आधे 72 अशुद्ध शब्द है तो ऑप्शन दो दंपति आधा एम टी बड़ा खूब भारी पिटू है। शुद्ध शब्द कौन सा है 73 शुद्ध शब्द तो ऑप्शन तीन वेदई वे पर डबल मात्रा और दे पर सिंगल मात्रा विदई जैसे के कई वर्ड होते हैं ना के पर डबल मात्रा के पर सिंगल मात्रा ये वापिस आके देखो अगला वर्ड आगे के कई तो ये वर्ड ध्यान रखने हैं आपको 75 निम्न में से शुद्ध शब्द है ऑप्शन दो न्यूनाधिक 76 अशुद्ध शब्द है तो नियारिका इसमें नी की ई की मात्रा बड़ी आती है और री की मात्रा छोटी आती है नियारिका। अभी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था नियारिका का मतलब पूछा गया था शब्द वन वर्ड आता ना नियारिका वो पूछा गया था। लघुतम आ गया कैसे लिखा जाता है शुद्ध वर्ड छोटा इसको तेज की जरूरत होती है आधे तेज की और बड़ा उसमें आधे तेज की जरूरत नहीं होती। 77 निम्न शब्द पर विचार कीजिए वो शुद्ध शब्द बताना है तो ऑप्शन तीन सही होगा बे और ये शुद्ध है। तंदुरुस्त संप्रभुता प्रत्यून पर ये भी सही है 78 कौन सा शब्द शुद्ध है तो ऑप्शन एक में चियालीस ची पहला ची पर छोटी मात्रा और री पर री छोटा ई की मात्रा छोटी और ली बड़ी मात्रा। 79 शुद्ध शब्द बताइए तो उज्ज्वलन ये सही हो गया। 80 शुद्ध शब्द कौन सा है तो ऑप्शन डी निर्भर बाकी चिन्ह को कैसे लिखा जाए देखो कृपया नहीं होता है कृपया होता है कृपया इसमें के नीचे घूमने वाला रहे और पे पूरा होता है नहीं कि अध्य दो या ई ई के ऊपर रे नहीं आता है या पर चंद्र बिंदु आता है दो या 81 अशुद्ध शब्द है तो अनुसूया सही है एनक संकट से पर बिंदी आती है ओके आटा है। 82 निम्न शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन सा है तो ऑप्शन चार मलयुद्ध ले आधा अभी पीछे आया था ये वर्ड बाकी शब्द सारे शब्द शुद्ध है प्रतिद्वंदी जिनसीन विद्वेता। 83 किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है एक में क्रियान्वयन गरिष्ठ सिद्धेश टिप्पणी तीन में हितेशी प्रसत और चार में उदंड स्वरूप सही उत्तर हो गया तीन हितेशी ती पर डबल मात्रा आती है बाकी गरिष्ठ नहीं होता है गरिष्ठ होता है बार बार आ रहा है सिद्धस्थ और स्वरूपरी। 84 पत्नी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है तो अशुद्ध पूछा है सुरपण का यह सही है सर्पिणी ये भी सही है श्वेता ये भी चतुरिणी ये गलत है ये होता है चतुरिंगिनी चतुरिंगिनी होता है चतुर नहीं होता है चतुर होता है ऊपर पर चंद्रबिंदी आती है बिंदी आती है ना कि चंद्रबिंदी। 85 निम्न में से शुद्ध शब्द है तो ऑप्शन यह तीनी ये भी गलत ही है पूरा वर्ड ही हथिनी होता है हथनी नहीं होता है ये क्वेश्चन में डिलीट होना चाहिए हिसाब से तो लेकिन बोर्ड ने अब हथनी से कर दिया क्या कर सकते हैं। अभी जाति नहीं होते अभी जाति होता है अध्यात्मिक नहीं होते अध्यात्मिक होता है पुनरावलोकन पुनरावलोकन होता है। 86 पत्नी की दृष्टि से सही शब्द है
तो दंपति ऑप्शन दो, बाकी पड़ोस पड़ोसी पर सिंगल मात्रा आती है, नूपुर पहला नू पर ओ की मात्रा छोटी, फिर पे निके ओ की मात्रा बड़ी, शताब्दी दी पर बड़ी दी 87। इनमें से वतनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है, अब क्या सही नहीं पूछा है, ये सारे शब्द ही सही है। कनिष्ठ है, घनिष्ठ होता है और अनिष्ट होता है, परिशिष्ट होता है, स्वादिष्ट होता है, यदिष्ट होता है, अनिष्ट परिशिष्ट स्वादिष्ट और घनिष्ठ होता है। 88 शुद्ध वतनी वाले विकल्प का चयन कीजिए, तो ऑप्शन एक में चर्मोत्कर्ष। 89 किस विकल्प में शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन डी स्वाति। 90 शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो ऑप्शन डी कवित्री। ई पर ई की मात्रा छोटी होती है और त्री पर बड़ी आती है। 91 सभी शब्द शुद्ध है, तो ऑप्शन एक में सभी शुद्ध है, समीक्षा और सूचीपत्र। बाकी सोई में सो ऊ की मात्रा छोटी आती है और ई पर मात्रा सिंदूर, दूत ऊ की मात्रा छोटी, नूपुर नू पर ऊ की मात्रा छोटी और पी पर ऊ की मात्रा बड़ी, भूगोली डबल मात्रा होती है। माधुर्यता कोई वर्ड नहीं होता, या तो माधुर्य होता है या मधुरता होता है, और साम्यता नहीं होता, साम्य होता है। 92 शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन तीन विधान। अशुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन दो कार्मिक, इसे लिखा जाता है मी पर आता है, कवि सही है। 94 शुद्ध शब्द है, तो ए वे वेशक, वे और ये पूरे उन पूरे हैं ना कि आधे, तो श्राप नहीं होता, साप होता है वो। कर देन 95 वतनी संबंधी अशुद्ध से युक्त कौन सा शब्द है, तो ये तीन और चार दोनों ही अशुद्ध है। 96 वतनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन ए घनिष्ठ आएगा, ठीक है, ज़्यादा ही घनिष्ठ है। अपशिष्ट आता है, अपशिष्ट नहीं आता, अपशिष्ट आता है वो गरिष्ठ आता है, श्रृंगार श्रृंगार होता है। 97 सभी शब्द शुद्ध है, ऑप्शन एक में दाम्पत्यता सौजन्यता सौंदर्य, दो में जिजीविषा प्रौढ़ अद्रंग, तीन में पैतृक सुश्रूषा अंतर्राष्ट्रीय, चार में श्रृंगार पुनरावलोकन आशीर्वाद, तो ऑप्शन दो जिजीविषा। पहला जी छोटा, फिर बड़ा, फिर वह भी छोटा, मतलब ये जो ई की मात्रा होती है पहले छोटी फिर बड़ी फिर छोटी, प्रौढ़ डबल मात्रा आएगी। 1 में सौजन्यता नहीं होता है, सौजन्य होता है, सौंदर्य नहीं होता है, सौंदर्य होता है। ये बिंदी जो दे रखी है देह पर, ये देह पर नहीं आएगी, ये सो पर आएगी, बहुत ही बारीक गलती होने की संभावना रहती है इसमें। और पैतृक ते रे पैतृक में ते के नीचे री आता है, सुश्रूषा पहला से और सुश्रूषा और वापस दूसरा से लास्ट में पहला और दूसरे बीच में सुश्रू, तो सु पर ओ की मात्रा बड़ी और श्रु पर छोटी। श्रृंगार खूब आशीर्वाद अब याद ही हो गया होगा। 98 शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन डी सारांश। 99 ऑप्शन तीन षड्यंत्र ज्योत्सना श्राप, तो
ज्योत्सना में आधे आते हैं ना कि पूरे, शराब नहीं तो साफ होता है। सो शुद्ध शब्द है तो ऑप्शन एक आगामी शुद्ध है, अजमेश आजमेश होता है, अंत्याक्षी अंत्याद आता है अंत्याक्षी में, आशीर्वाद 101 वतनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो इसमें ऑप्शन ए सही होना चाहिए क्यों कवित्री सही है। पड़ोसी सिंगल मात्रा आती है, बीमार बीमार बड़ा होता है, बीमार छोटा नहीं होता है। एक सौ दो सूत्र पूछा है तो ऑप्शन तीन में प्रादेशिक। 103 अशुद्ध शब्द पूछा है तो ऑप्शन दो पंडित, पंडित देव कैसे लिखा जाता है आधा अण आता है पंडित में ना कि अधन है। 104 कौन सा शब्द वतनी की दृष्टि से शुद्ध है तो ऑप्शन डी सामाजिक, संसारिक नहीं तो सांसारिक होता है, व्यवहारिक व्यावहारिक होता है या आता है वो अत्यधिक या नहीं होता अत्यधिक होता है ये होता है अत्यधिक। 105 कौन सा शब्द वतनी की दृष्टि से शुद्ध है, सुसुरसा वापिस आ गया, सु पहले से और सा दूसरा से लास्ट में, सु सु बड़ा और सुरु पर छोटा, देखो कितनी बार रिपीट हुआ है 6-7 बार कम से कम, और इसका मतलब क्या होता है रोगी की सेवा ये भी पूछा गया है, वन वर्ड में आता है ना वहाँ पे ये इसको पूछा गया है शुश्रूषा क्या होता है। 106 किस प्रकार के सभी शब्द शुद्ध है तो ऑप्शन तीन कुष्ठ है और यथेष्ट। 107 कौन सा शब्द अशुद्ध है तो अशुद्ध अनुग्रहित, इसमें देख अनुग्रह में ये सिद्ध आता है और अनुग्रहित में अनुग्रहित रे सही है लेकिन इसमें हे पर ई की मात्रा छोटी कर दी हुई है, बड़ी होती है, पूजनीय सही है। 108 किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है ऑप्शन तीन विदुषी श्रीमती, वाल्मीकि कैसे लिखा जाता देख लो, ऑप्शन चार में वाल मी ई की मात्रा बड़ी और की छोटी वाल्मीकि। 109 पत्नी की दृष्टि से शुद्ध शब्द तो ऑप्शन दो तृतीय। 110 पत्नी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है तो अशुद्ध पूछा है बुधवार बुध ध्यय ध्यय आता है वापिस अभी पिछले आया था, अंधकार ये भी आया था, दुर्वस्था ये भी आया था, ग्रीण ये भी आया था। 111 पत्नी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है तो अमावस्या शुद्ध होता है। 112 अशुद्ध शब्द है तो ऑप्शन तीन में तदुपरांत तदुपरांत होता है गति अवरोध सही है वो आप अंधगति को बारी पीट हुए हैं। 113 किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है ऑप्शन दो निरुपाय और अधिव्यवसाय, बाकी सारे एक में बलिष्ठ नहीं होता बलिष्ठ होता है, प्रत्युपकार ये सही है, प्रत्यार्पण नहीं होता है प्रत्यर्पण होता है, पकौड़ी ये सही है प्रमाणिक परामाणिक होता है। 114 किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है तो ऑप्शन डी विशिष्ट सोचनीय, ये शुद्ध विशिष्ट होता है वो सोचनीय सोचनीय वीरणी वीरिणी हथनी हथिनी होता है, देखो उसमें हथनी को सही मानना था लेकिन ये गलत है हथिनी होता है। 115 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो ऑप्शन दो प्रतिनिधि, प्रतिनिधि में तीनों ही री की मात्रा छोटी होती है।
116 इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन दो मंत्रित्व, बाकी माधुर्यता कोई वर्ड नहीं होता है, मधुरता या माधुर्य, ज्योत्सना आधा, दोनों में आध्य ते भी आधा से भी आधा, लब प्रतिष्ठित नहीं होता, लब प्रतिष्ठ होता है। 117 किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन दो महात्म्य जीव अंत्याक्षरी। 118 शुद्ध शब्द छांटिए, तो ऑप्शन चार वाल्मीकि। उज्ज्वल जय आद्य आते हैं, अभिष्ठ आता है, अंधिकार आता है। 119 अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन डी विकृत। 120 सभी शब्द शुद्ध, तो ऑप्शन तीन मूर्छा कैसे लिखा जाता है? देखो इसमें आधा चे आता है, परीक्षित कैसे लिखा जाता है? अम्मज नहीं होता है, अम्मज होता है, बारात नहीं होता है, बरात होता है। 121 वत्नी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन तीन यह शुद्ध है, परिवर्तन पर्याय, परिवर्तन सही है ना कि गलत है। पर्याय कैसे लिखा जाता है? प्रसाद प्रादुर्भाव। 122 शुद्ध शब्द चुनिए, तो ऑप्शन एक में सारे शब्द शुद्ध है, अरण्य आलंग अखंड, बाकी दो में अभी में ई की मात्रा बड़ी होती है, अभिष्ट इप्सित ई पर रे होता है, ऐतिहासिक में ए पर मात्रा होती है ऐतिहासिक, और रात नहीं होता है, और रात्र होता है, अक्षोहिणी अक्षो पर डबल मात्रा इनी अनिश। 123 कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन दो नियारिका, वापिस आ गया। 76 संयम इसमें आधा से आता है, महात्म्य गण होता है, महात्म्य गण होता है। 124 किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? ऑप्शन तीन संन्यास और शमशान, क्योंकि तो वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है पता ही आपको। 125 किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन दो सदृश पुरुष। स्वामी भक्ति कैसे लिखा जाता है? देखो 126 किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन डी स्वाध्याय और स्थायित्व। दुरात्मगण होता है, सकुशल पुरुष नहीं होता है, या सकुशल होता है या कुशल पुरुष होता है। 127 किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन एक सिंदूर उपयुक्त, बाकी अंतर्ज्ञान अंतर्ध्यान होता है, ललायत नहीं ललायत होता है, साधुवाद साधु ऊ की मात्रा बड़ी। 128 किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन तीन जन्मोत्कर्ष और 44। 129 अत्यधिक शब्द में अशुद्धि का कारण है, तो ऑप्शन एक स्वरागम। 130 निम्न में से अशुद्ध शब्द बताइए, तो कवियत्री कह हुए आता है ना कि ई की मात्रा आती है। 131 अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन एक मिष्ठान, वो मिष्ठान नहीं होता है, मिष्ठान होता है, श्रृंगार और कुंवर। देखिए कैसे लिखा जाता है, बाकी 132 निम्नांकित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो सॉरी शुद्ध आशीर्वाद, आशीर्वाद कम से कम 10 बार तो अभी आ गया। 123 शुद्ध शब्द तो भागीरथी में नहीं होता है, वो भगीरथ होता है, इसको भी आप अच्छे से देखना है। 134 निम्नांकित में अशुद्ध शब्द है,
तो ऑप्शन तीन उच्च सिंगल, तो सी उत्तर इसका सी होगा उच्च अदच्य आएगा इसमें। दृष्टि सही है, अतिशयोक्ति पूर्वत है और गति विरोध। 135 निम्न में से अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध संग्रहित इसमें गे के नीचे घूमने वाले आते हैं संग्रहित। 136 कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो ऑप्शन दो सही करनी होता है वो सहज क्रोध श्रेष्ठ होता है। 137 किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, ऑप्शन एक में युधिष्ठर विपिनावस्था भरतसिंह भरतीय युधिष्ठर अशुद्ध शब्द युधिष्ठर ऑप्शन चार सही होगा इसमें। अंत्याक्षरी अपराण श्रृंगार, तो युधिष्ठर नहीं होता युधिष्ठिर होता है, विपना वस्ता और बढ़ते रे बढ़ते भे के नीचे रे घूमने वाला होता है बढ़ते। अतियोक्ति अत्युक्ति होता है, क्वेश्चन नंबर 138 किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, ऑप्शन एक महात्म्य और शस्त्र। तो महात्म्य वर्ड को याद रखना, महात्म्य और शस्त्र बाकी गेहर होता है, शब्दोपदेश होता है, इप्सित होता है, तो इंदर रविंदर होता है। 139 किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, तो ऑप्शन तीन तपस्विनी वी बड़ा नहीं वी छोटा आता है, वांग में ये भी गलत है, प्रज्वलित में आधा जे आता है और वे पूरा आता है। 140 शुद्ध वर्तनी है, तो ऑप्शन डी वागर्थ, बाकी अत्यधिक नहीं होते अत्यधिक होता है और पांच जिन नहीं होता है पांच ये होता है आधा ये होता है या आधा नया नहीं होता है। स्रोत 141 शुद्ध शब्द नहीं है, ऑप्शन ए निरोग, निरोग में नी बड़ा आता है, निरोग बीमार ये बीच में बड़े आते हैं। 142 किस विकल्प में व्यंजक संबंधी अशुद्धि है, तो ऑप्शन चार सहस्त्र। 143 इनमें रेप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन दो पुनर्व, इसमें ये रे पहले नए पर नहीं दूसरे रे पर आता है दूसरे नए पर आता है। 144 किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, ऑप्शन चार द्वंद मिठाइयाँ श्रृंखला। 145 वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो ऑप्शन एक ट्यूआर, युवा पर डबल मात्रा नहीं सिंगल मात्रा आती है, बाकी पड़ोस पर भी सिंगल मात्रा आती है, अधीन अधिक दी बड़ा आता है। 146 किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है, ऑप्शन तीन स्वामी भक्त और सौंदर्यता यह शुद्ध है, इसमें स्वामी मी बड़ा नहीं छोटा आता है ई की मात्रा छोटी आती है, सौंदर्यता कोई वर्ण नहीं होता है सौंदर्य या सुंदरता होता है, अनाधिकार नहीं होता है अनधिकार होता है और रचियता नहीं होता रचियता होता है। 147 शुद्ध वर्तने वाला शब्द है, तो ऑप्शन चार कवित्री में, बाकी लावण्यता कोई वर्ड नहीं होता है लावण्य होता है अनुग्रहित गेव के नीचे घूमने वाला रह आता है और ई पर ई की मात्रा बढ़ी जाती है, वापिस नहीं होता वापस होता है।
148 कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो ऑप्शन 3 त्योहार, यो पर दोनों ही सिंगल मात्रा आती है। अब तो आपको याद ही हो गए होंगे ये, क्योंकि कंटिन्यू बार बार वर्ड आ रहे हैं। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि जिस चीज़ को अपन बार बार पढ़ते हैं तो वो धीरे 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 अपने माइंड में परमानेंट फिक्स होती जाती है। जैसे ये बहुत सारे वर्ड जो बार बार आए हैं और अपन को पढ़ रहे हैं, तो वो अपन के माइंड में इनकी छवि बन गई है। तो आपको इससे ये सीखना चाहिए कि कुछ भी पढ़ें तो उसको बार बार पढ़ें। 149 वर्तनी की दृष्टि से अशुभ शब्द है, तो ऑप्शन 3 सरोजिनी, सरोजिनी सरोजिनी होता है, बाकी सारे सही है। 150 शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन 4 पूर्व पुरस्कार। मन ने योग नहीं होता, मनोयोग होता है। पुरस्कार पुरुष से युधिष्ठिर नहीं होता, युधिष्ठिर होता है, युधिष्ठिर। 151 निम्न में से अशुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन डी मान्य नहीं है, माननी होता है वो, नेपुरा होता है। मैथिली प्रज्वलित पैतृक देखिए कैसे लिखे जाते हैं। 152 वतनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा शब्द शुद्ध है, ऑप्शन 4 दंपति। खूब बार रिपीट हो गया। मुमूर्षा में के ऊ नीचे ऊ की मात्रा बड़ी और दूसरे में पर छोटी, और शाही मुमूर्षा मरने की इच्छा, ये भी वह ये भी उसमें जो वन वर्ड होते हैं ना उनमें पूछा गया है खूब बार। ये मुमूर्षा शुश्रूषा ये प्रतिनिधि, इसमें तीनों ही मात्रा छोटी आती है। तो आप देख पा रहे हैं कि वर्ड को कैसे लिखा जा रहा है, कैसे रिपीट हो रहे हैं। निम्न में से किस में अशुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन ए मुमूर्ष। निरोग रोग बड़ा ही होता है, बीमारी बड़ा होता है। 154 किस में शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन 3 डंग। वेशक में दोनों वे भी बड़ा ये भी बड़ा, मतलब पूरे वर्ड है वे वन पूरा और ये भी पूरा। व्यंग्य इसमें वे और आधा गे ये होता है व्यंग्य। शक्तिकरण 155 निम्न में से किस में सभी शब्द अशुद्ध है, तो ऑप्शन 3 अतिश्योति से पूरा आता है, व्यवहारिक यह आता है, अंत्या असमादत्य आता है या आता है, शुश्रूषा देखिए वापिस आ गया, संन्यास अनुग्रहित। अब आप देख रहे होंगे कि सेम वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं। 156 किस शब्द में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध नहीं है, ऑप्शन 3 अनुग्रहित। उच्छ्वास नीचे हलंत आता है इसमें, 6 के नीचे। संगीत नीचे घूमने वाले आएगा। साम्यता कोई वर्ण नहीं होता, साम्य या समता होता है। 157 पुनरावलोकन शब्द में अशुद्धि है, उपसर्ग संबंधी, तो पुनरावलोकन होता है। 158 सभी शब्द अशुद्ध है, ऑप्शन 1 षटमास षटानंद श्रृंगार, तो षटमास में षणमास होता है, षटानंद में षडानंद होता है और श्रृंगार। 159 किस शब्द में वतनी दोषपूर्ण है, तो ऑप्शन 2 संग्रीत, लेने जो घूमने वाला आएगा। 160 वतनी की दृष्टि से सब पद सही है, तो ऑप्शन 2 दंपति। 161 निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द गलत है, तो
घनिष्ठ घनिष्ठ होता है, अवशिष्ट अनिष्ट गरिष्ठ 162 शुद्ध शब्द पर निशान लगाइए, तो ऑप्शन 3 सही है 163 पत्नी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, तो ऑप्शन 3 दंपति। अब आप तो इनको सीख गए होंगे, जो वर्ड कोई 10 बार आ गए वो तो याद ही होंगे, वो गए होंगे अब आपको 164 सही वर्तनी है ऑप्शन 4 विद्या निवास मिश्र 165 सही शब्द है, तो ऑप्शन 3 स्वतंत्रते श्रेय के शेष का लिखा जाता है आह्लादित 166 तत्व हतिनी निवार ये सब शुद्ध है, बाकी वाल्मीकि मी बड़ा और की मात्रा छोटी आती है, वेश्या डबल मात्रा नहीं होती, वेश्या सिंगल होती है, ये इसमें याद रखना है, वेश्या डबल नहीं वेश्या सिंगल होती है, तो माइंड में ट्रिक होनी चाहिए ना कैसे भी हो अपन को याद, अपन को बाकी से क्या मतलब है, अपन को याद रखना है वर्ड को किस हिसाब से रखना है वो अपन पर डिपेंड करता है। मंत्रिपरिषद त्रि छोटा सुक्ति सु ती छोटा वीरणी ये परि की मात्रा छोटी जमाता नहीं जमाता होता है महात्म्य नहीं थी महात्म्य होता है 167 सही शब्द है, ऑप्शन 2 आप लावित जुलूस नहीं जुलूस होता है जुलूस लू बड़ा छोटा छोटा आएगा पाई तोषक नहीं पाई तोषिक होता है वो अतिशयोक्ति से बड़ा से पूरा 168 सही वर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन 3 नित्यांगना 169 सही शब्द छांटी है, ऑप्शन 4 अंतर्भाव 170 सही वर्तनी है, तो ऑप्शन 4 में जिन्हें 171 अशुद्ध शब्द छांटी है ज्योत्सना, देखिए कैसे लिखा जा रहा है याद हो गया होगा 20 बार आ गया 172 सही शब्द छांटिए, तो प्रागैतिहासिक तो ऑप्शन 3 निरोध नी छोटा निरोध बड़ा नहीं इसमें नी छोटा और निरोग में नी बड़ा बीमार में नी बड़ा व्यरिक में वे ये नहीं यह आता है वे वैसा ही 173 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए, तो ऑप्शन 2 नेमिनेतिक इसको थोड़ा सा देखना है नया वर्ड आया नेमितिक 174 इस प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए, तो ऑप्शन 4 अपराहन 175 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए, तो ऑप्शन 3 प्रमुख अपेक्षी चिंतित त्यौहार आपको याद ही है, ऑप्शन 4 177 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन 3 प्रतीक्षा प्रतीक्षा में ती बड़ा आता है 178 178 में 1 और 4 महत्व का महत्व कैसे लिखा जाता है ते डबल ते आता है इसमें ते आधा आता है उसमें और दृष्ट हुए रे दृष्ट दे पर रे घूमने वाला नहीं सीधा रे आता है दृष्ट हुए 179 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पैतृक पे पर डबल मात्रा उत्ते के नीचे घूमने वाला रे 180
सही से बताना है तो परिक्रमा ऑप्शन एक में देख के परिक्रमा कैसे लिखा जाता है पर प री री छोटा ओ के नीचे सीधा वाला रे परिक्रमा 181 सही शब्द ऑप्शन चार बीस बार आ गया 182 सही शब्द कौन सा है तो ऑप्शन ए संशोधित। बाकी अभिषेक में से दूसरा से आता है सोचने में पहला से आता है प्रशंसा का बीच वाला प्रशंसा पहला और दूसरा 183 सही शब्द कौन सा है तो ऑप्शन तीन रचयिता 184 कौन सा शब्द शुद्ध है तो ऑप्शन चार ऐतिहासिक यह भी खूब बार आ गया 185 किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है तो इसमें दो और तीन दोनों ऑप्शन ही सही है तो ऑप्शन एक में औद्योगिक होता है रचित ट्री और ऑप्शन डी में लव प्रतिष्ठित नहीं होता लव प्रतिष्ठित होता है और अत्याचार नहीं होता अत्याचार होता है 186 कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है तो ऑप्शन तीन देखिए वेस्ट किसे लिखा जाता है 187 कौन सा शब्द शुद्ध है तो यह भी बोनस अंक है इसमें सही वर्ड होगा और इसमें चारों में ही गलत है सारे तो ऑप्शन इसमें सही छः के नीचे हलंत आता है उच्छ्वास 188 कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है तो ऑप्शन दो पुरस्कार से दूसरा नहीं से तीसरा आता है वो भी आधा अभिषेक में दूसरा से आता है 189 कौन सा शब्द शुद्ध है तो ऑप्शन चार 29 दो आधे एक ने पूरा और एक ने आधा 190 कौन सा शब्द अशुद्ध है ऑप्शन ए अध्यात्म होता है वो अध्यात्म नहीं होता है अध्यात्म 191 किस वर्ग के सभी शब्द सही है तो ऑप्शन चार स्वातंत्र्य सम्मुख बाकी युधिष्ठिर होता है 38 से पूरा होता है अत्यधिक होता है 192 किस विकल्प में शुद्ध शब्द है तो ऑप्शन एक में समसामयिक होता है वो समसामयिक 193 शुद्ध होने वाला शब्द ऑप्शन तीन गोपनीय 194 शुद्ध होने वाला शब्द तो ऑप्शन दो में अंतःकरण देखिए अंतःकरण कैसे लिखा जाता है अंत बिंदु करण 195 वर्तनी की दृष्टि से कौन से विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है तो ऑप्शन तीन उपयुक्त देखिए उपयुक्त कैसे लिखा जाता है उपरोक्त नहीं होता है वो उपयुक्त होता है निरोग नहीं बड़ा अनुग्रहित 196 पत्नी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो ऑप्शन तीन 197 स्वर संबंधी अशुद्धि है तो ऑप्शन चार में प्रदर्शनी होता है 198 कौन सा शब्द वतनी की दृष्टि से अशुद्ध है तो अनुग्रहित तो नीचे रे घूमने वाला 199 वतनी की दृष्टि से शब्द शुद्ध है तो ऑप्शन दो दंपति 200 किस क्रमांक का शुद्ध शब्द तो ऑप्शन तीन प्रतिनिधि सारी छोटी मात्राएं 201 किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है तो ऑप्शन तीन विनिदृष्ट देखिए विनिदृष्ट कैसे लिखा जाता है इसमें ई की मात्रा तीनों में छोटी होती है और रे दी पर होता है 202 देखिए शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है ऑप्शन तीन विद्यालय 203 पत्नी की दृष्टि से शुद्ध है तो अतिथि दोनों ही ई की मात्रा छोटी होती है
204 शुद्ध शब्द है तो 3 पूर्ति। 205 कौन सा शब्द शुद्ध है तो ऑप्शन ए कर्तिक्य। 206 सही शब्द कौन सा तो ऑप्शन डी स्रोत। 207 निम्न में से सही वतनी वाला शब्द है तो कृत कृत्य। देखना ये वर्ड के नीचे घूमने वाले और दोनों के में घूमने वाले, एक में ते पूरा और दूसरे में आधा, कृत कृत्य। 208 सही वतनी शब्द है तो ऑप्शन ए चौवन। चौवन होता है, चौपन नहीं होता है, चौवन होता है वो। 209 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अभिषेक। 104 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है गृहिणी, एक नीचे घूमने वाले ई छोटी और नहीं बड़ी। 211 कौन सा शब्द शुद्ध है तो ऑप्शन 4 अंतर्द्वंद, तो देख पहले दे पर रे आता है ऊपर। 212 कौन सा शब्द शुद्ध है ऑप्शन 3 पुरस्कार। 213 सही शब्द का चयन कीजिए ऑप्शन 4 तृष्णा, ते पर घूमने वाले रे। 214 शुद्ध शब्द है तो ऑप्शन 4 कार्यक्रम। अनाधिकार अंधिकार होता है, विचिन आशीर्वाद वहाँ पर रे आता है। 215 शुद्ध शब्द है तो ऑप्शन 4 नमस्कार। 216 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो ऑप्शन ए समन्वय, नहीं याद आता इसमें। 217 कौन सा शब्द शुद्ध है तो ऑप्शन 2 अंतर्ज्ञान। 10वे रे सीधा वाला ना कि घूमने वाला, पूज्य नहीं होता, पूज्य होता है या पूज्य जयपुर आता है, आशीर्वाद में वहाँ पर रह आता है। 218 कौन सा शब्द शुद्ध है तो ऑप्शन 2 सरोजिनी। 219 कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं है तो उसमें 3 और 4 दोनों ही अशुद्ध है। 220 व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनीय तो ऑप्शन ए शराब, वो साफ होता है। 221 सत्यसयम, इसमें आदत से आएगा सत्यसयम, तो ये संधि संबंधी अशुद्धि कारण है। 222 अशुद्ध वर्तनीय है तो ऑप्शन 4 अभियान में व्यय पूरा आता है, पुनरावलोकन सौंदर्य पुनरागम। 223 शुद्ध शब्द है तो ऑप्शन 2 कृत, दोनों में दोनों के नीचे रे और ते पहला तो पूरा दूसरा आधा ते ये कृति। पुरस्कार पूर रे आता है और से आता है, उदा ये दो को पर दो मात्रा आदि नहीं अधीन होता है। 224 शुद्ध शब्द नहीं है तो इसको आरपीसी ने गलत हटा दिया है। श्रृंगार ये भी गलत है, ये सही है, ये भी गलत है, कौशल्य ये भी गलत है, कवियत्री ये सही है, कौशल्य देखिए किसे लिखा जाता है, इसमें पहला से आता है ना कि तीसरा से, वो को पर दो मात्रा आती है ओल्या, ये सही है, ए पर मात्रा आती है। 225 इन शब्दों में वर्तनी की अशुद्धि का उदाहरण है तो ऑप्शन 3 कुमुदिनी होता है, दंदी दिनी होता है। 226 ये शब्द शुद्ध है तो ये कौन सा है तो प्रियदर्शिनी, तो ऑप्शन 3 प्रियदर्शिनी, सिर पर छोटा की मात्रा और रे। 227 किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है तो ऑप्शन 4 आजीविका, जी बड़ा और वी पर वी छोटा। 228 किस विकल्प में शुद्ध शब्द है तो ऑप्शन ए
रश्मि, बाकी छुआछूत, पहला छू, बड़ा नहीं छोटा, दूसरा बड़ा, छुआछूत, सदस्य नहीं सदृश होता है, ईप्सित। दो सौ उनतीस, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन ए अभीष्ट और सुशोभित। दो सौ तीस, क्रमिन में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन दो समुख। दो सौ इकतीस, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन चार निर्विराद, पूजनीय होते पूजनीय होता है। दो सौ बत्तीस, सभी शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन चार उत्कर्ष और पूजनीय। दो सौ तैतीस, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? ऑप्शन तीन जीवा और अत्युक्ति। दो सौ चौंतीस, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन दो सांसारिक, सांसारिक नहीं होता सांसारिक होता है। दो सौ पैंतीस, किस विकल्प में शुद्ध शब्द है? तो चार नियारी का, चौथी बार तो आ गया। सौंदर्यता, सौंदर्य या सुंदरता होता है, कविंदर वी बड़ा आता है, एकत्रित नहीं होता एकत्र होता है। दो सौ छत्तीस, किस शब्द में अशुद्ध शब्द नहीं है? तो ऑप्शन दो त्योहार, निवाद, दिवाद, दिवारात्र और ऐश्वर्य। बाकी द्वारका, निषेध, कृपया, कृपया होता है कृपया नहीं होता है। दो सौ सैंतीस, शुद्ध वतनी किस क्रमांक में है? तो ऑप्शन ए अतिशयोक्ति, शेपुरा। दो सौ अड़तीस, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन ए माधुर्य, नीरस। दो सौ उनचालीस, सभी शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन तीन तदुपरांत और सम्मुख। दो सौ चालीस, अशुद्ध शब्द है? तो ऑप्शन तीन वो प्रदर्शनी होता है। पूजंगिनी। दो सौ इकतालीस, शुद्ध शब्द है? तो ऑप्शन दो पोरोस, पे पर डबल मात्रा आती है। लावण्यता कोई वर्ण नहीं होता लावणी होता है, वो व्यवहारिक वी या होता है या। दो सौ बयालीस, सभी शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन दो अभीष्ट औत्सुत के अंतरित इंसाफ। तो ऑप्शन दो दो सौ तैयलीस, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन ए अत्यधिक अंधिकार। दो सौ चौवालीस, किस क्रमांक में शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन ए पुराणिक। दो सौ पैंतालीस, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन चार प्राप्ति या पुष्टि। परीक्षा, परीक्षा बड़ी होती है, इसमें रे बड़ा था। बीमारी, बीमारी बड़ी होती है। सूर्य, सूर्य भी बड़ा होता है। दो सौ छियालीस, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन ए सुशोभित। सु पहला से फिर दूसरा से सुशोभित। दो सौ सैंतालीस, किस क्रमांक का शुद्ध शब्द है? तो ऑप्शन तीन प्रशंसा, पहला से और दूसरा से। दो सौ अड़तालीस, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन ए ऐतिहासिक अलौकिक। कंगन सिंह, चंद्र बिंदी नहीं, ओनली बिंदी आती है, कंगाल में बिंदी आती है, कंचन में दैहिक दो मात्रा आती है, ऐतिहासिक ए पर मात्रा आती है। दो सौ पचास, सभी शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन चार विशिष्ट और श्लिष्ट। अनिष्ठ नहीं तो टे होता है, कृतिक नहीं कृतिज्ञ होता है, प्रसाद, प्रसाद में तीसरा से आता है।
250 कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन तीन भौगोलिक। 251 किस क्रम में शुद्ध शब्द है? तो ऑप्शन चार तनख्वाह। 252 किस क्रम में शुद्ध वतनी नहीं है? तो ऑप्शन तीन चारुताई। तो चारुता होता है। 255 किस क्रम में सभी शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन दो उज्जैनी उच्चिष्ट उभ। 254 किस क्रम में अशुद्ध वर्तनीय? ऑप्शन ए इंदिरा नहीं तो इंदिरा होता है इंदिरा देख छोटी ई की मात्रा होती है। 255 किस सब क्रम में शुद्ध वर्तनीय? तो ऑप्शन तीन कुमुदिनी कुरम को छोटा में यानी कछुआ होता है कोमलांगी नहीं होता है वो कोमलांगी होता है कोमलांगी। 256 सभी शब्द अशुद्ध शब्द है तो ऑप्शन तीन एके ए पर मात्रा होती है अतिथि ये सही है चिन्ह पश्चात सात तीसरा। 257 किस क्रम में अशुद्ध वर्तनी है? तो चारों ही शब्द शुद्ध है। 258 अशुद्धि है तो ऑप्शन तीन और चार में अशुद्धि है श्रृंगार और कार्यक्रम। 259 सही वतनी वाला शब्द है आध्यात्मिक ऑप्शन ए। 260 सही वतनी वाला शब्द है ऑप्शन तीन महात्म्य इसमें मा हा होता न कि मैं हा होता। 261 कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन दो द्विंद्व। 262 कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन चार सौहद्र डबल मात्रा और देह पर रे। 263 कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन चार संन्यास। 264 कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इंदिरा। तो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है 265 निम्न विकल्पों में से सही वतनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन तीन पूजनीय जय बड़ा और पू पर ऊ की मात्रा छोटी पूजनीय। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को सही ढंग से पूरा एक बार से देख लेंगे ना पूरा तो भी आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। तो आपसे उम्मीद है कि आप इसको बार पूरा देखोगे और आप वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बस छोटी सी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पर अपलोड कर दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडीएफ को और प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।